आचार्य जी, अभी आपने इनका आंसर दिया था कि लोगों के अलग अलग चेहरे होते हैं, जब हम उनके साथ डील कर रहे हैं तो हमें वो चेहरे फेस करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हमें इन लोगों ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है मजबूरी में, ना चाहते हुए। नहीं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें? एक तो नहीं, डील माने क्या? डील मीन्स अभी जैसे आपने कहा अलग चेहरे हैं, हमारी सोसाइटी में एक बिल्डर है, उसके अलग चेहरे हैं, वो जो लोग जिस जो लोगों को उन्होंने फ्लैट बेचे हैं, और कई लोग हैं जो बाहर के हैं, कई लोग जो परमानेंट रहते हैं वहाँ पे, जो परमानेंट रहते हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम उन बिल्डर से उनको है, कभी पानी की प्रॉब्लम, कभी बिजली की प्रॉब्लम, कभी बैकअप की प्रॉब्लम या कुछ और। कई बार स्टाफ उनका मिसबिहेव करता है तो हम लोग सोसाइटी वाले ग्रुप मिलके उनके पास जाते हैं, उनको कंप्लेंट बताते हैं, लेकिन वो हमारी कंप्लेंट सुनते नहीं हैं। वो ये समझते हैं ये तो बोलते ही रहते हैं, इनको बोलने दीजिए। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे से नीचे वाला कोई आप ये सब छोड़ ही क्यों नहीं देते? यहाँ इतनी समस्या दुख है, छोड़ क्यों नहीं देते? आप जितनी शिद्दत से ये सब बता रहे हैं तो लग रहा है कि ये तकलीफ तो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है, बड़ी केंद्रीय हो गई है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अभी सोसाइटी में हम लोग चार आदमी थे जो उसको फेस करने गए थे, और हमारे को उनसे काफ़ी बातें सुननी पड़ी, और हम लोग बोल नहीं पाए उनके आगे ज़्यादा। क्यों नहीं बोल पाए? उनके सोसाइटी बिल्डर के कुछ लोग भी हैं जो रिश्तेदार हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं, वो तो अपनी, और बुरी अपनी, बात है। अपनी वो ओवर पावरनेस हमारे ऊपर पावरनेस क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप? हैं जी, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए, कोई भी आप पर कैसे दबाव बना देगा, आपका कैसे कोई हाथ मरोड़ देगा जब तक आपका कोई लालच या स्वार्थ ना हो। कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, आपकी शांति खराब कर रहा है, हट जाइए वहां से, उसकी द्वारा शक्ल ही मत देखिए। उसकी बिगर प्लानिंग भी है कि इस सोसाइटी को डिग्रेड करके अपनी दूसरी सोसाइटी सेल की जाए। आप क्यों जा रहे हैं दूसरी सोसाइटी में? आप कहीं और चले जाइए, आपको उसकी प्लानिंग से क्या लेना देना है? आप अपनी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को सेल करना फ्लैट इज नॉट एन ईजी जॉब। मत करिए ना, फ्लैट जिंदगी से बड़ा हो गया क्या? पड़ा रहने दीजिए, कुछ होगा तो होगा, ठीक है, उसका किराए पे दे दिया, नहीं दिया तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्या करना है? जिंदगी से ज्यादा बड़ा हो गया। दूसरे आपका हाथ मरोड़ रहे हैं, समझिए क्यों, क्योंकि आप हाथ मरोड़वाने के लिए तैयार खड़े हैं। धोखा एक बार हो सकता है ना, बार बार हो तो इसका क्या मतलब है? कोई व्यक्ति आपके साथ एक बार दुर्व्यवहार कर गया, ठीक, बार बार कर रहा है, क्या मतलब इस बात का? और एक ही व्यक्ति एक जैसी स्थिति में ही बार बार आपको धोखा दे, इसका क्या मतलब है? आप उत्सुक हैं धोखा खाने के लिए? जीवन में कुछ भी इतना बड़ा रखते क्यों हो कि उसके लिए अशांति झेलनी पड़े? बताओ, ये कायदा समझ लीजिए अच्छे से, जिंदगी में कुछ भी इतना बड़ा ना रखो कि उसको संभालना जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। जीवन में जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो ऐसा होना चाहिए कि जब झंझट हो छोड़ सको। इतना बड़ा कुछ रखो ही मत अपने पास कि बोझ बन गया, अब उसकी सुरक्षा के लिए ही जी रहे हो। हाँ, लिया था, कुछ पैसा खर्च करा था, परेशान कर रहा है ज्यादा, छोड़ो ना, आगे बढ़ो, रख ले। ये मेरी बात सुनने में अविश्वसनीय लग रही होगी, अव्यवहारिक भी लग रही होगी, पर मेरी बात अगर अविश्वसनीय लग रही है तो फिर तुम अपने दुख पर विश्वास करते चलो। तुम्हारा दुख तो विश्वसनीय है ना तुम्हारे लिए, फिर वो रहेगा। अब जीवन भर की मेहनत लगा करके
और जीवन भर मेहनत करी इसीलिए कि पैसा इकट्ठा करके कुछ करेंगे। तुम कोई चीज ले आते हो या कोई काम कर लेते हो, जो भी तुम चीज ले आए हो उस चीज के तुम भाग्य विधाता तो हो नहीं गए, संयोगों का खेल तो चलता ही रहता है। वो चीज बस तुम्हारे आधिपत्य में तो है नहीं ना, उस पर पचासों और ताकतें भी काम करती हैं। जिंदगी की जमा पूंजी लगा करके जो तुम ले आए वो खोटा निकला, वो तकलीफ देने लग गया, अब करोगे क्या? और ये होगा ही। तो श्रम जीवन भर किसी ऐसी वस्तु को कमाने के लिए करो ही मत जिस पर कोई दूसरा हाथ डाल सकता हो। तीन तरह के काम होते हैं, मनुष्यों द्वारा तीन तरह के काम होते हैं, उससे पहले समझ लो पशुओं द्वारा क्या काम होता है। पशुओं द्वारा एक ही तरह का काम होता है, प्राकृतिक, पेट के लिए, पेट के लिए और प्रजनन के लिए पशुओं द्वारा वो काम होता है। मनुष्यों द्वारा तीन तरह के काम होते हैं। काम सब लगातार कर ही रहे हैं। सबसे निचले तल का काम होता है यूं ही व्यर्थ, उसकी तुम्हारे लिए ना कोई भौतिक उपयोगिता है ना आध्यात्मिक। जैसे कोई यूं ही मटर गश्ती करे दिन भर, जैसे कोई यूं ही इधर उधर लड़ता फिरता फिरे, जैसे इधर उधर के आवारा गुल्ली डंडा खेले। काम तो कर ही रहे हैं ना, श्रम तो लग ही रहा है ना, पर जो श्रम लग रहा है वो ना उनको कुछ देगा भौतिक दृष्टि से, ना उनको कुछ देगा आध्यात्मिक दृष्टि से। जो काम वो कर रहे हैं उसके बदले में अगर किसी से पैसा मांगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो सामाजिक तौर पर भी उनके काम को कोई मान्यता नहीं है, और भौतिक दृष्टि से तुम्हें कुछ तभी मिलता है जब उसकी सामाजिक मान्यता भी हो। जब तुम कुछ करते हो तुम्हें कोई रुपया देता है, रुपया क्या है? तुम्हारे श्रम की सामाजिक मान्यता। वो रुपया तुम जाके समाज को दिखाओगे, समाज बदले में तुम्हें दाल चावल दे देगा। सबसे निचले तल का श्रम, सबसे निचले तल का काम वो होता है जहां तुम्हारा श्रम पूरे तरीके से बर्बाद जा रहा हो। दीवार पे सर मार रहे हैं, भटक रहे हैं कहीं, इससे लड़े उससे लड़े, या चुपचाप पड़े रहे, पड़े हैं और विचार कर रहे हैं, ये भी श्रम है और ये बेकार जा रहा है। इससे कुछ होना हवाना नहीं। इससे मैं कह रहा हूं ना तुम्हारी भौतिक तरक्की होनी है और ना ही आध्यात्मिक। उससे ऊपर के तल का श्रम होता है जिसमें तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हें भौतिक लाभ हो। अब तुम अपने श्रम को संचित कर रहे हो। पहले तुम्हारा श्रम 10 दिशा में बह रहा था, व्यर्थ जा रहा था। इस तल पर तुम अपने श्रम को संचित करते हो, उसकी एक धारा बना देते हो, एक चैनल बना देते हो। इस तल पर तुम्हारा श्रम रुपया बन जाता है। इस तल पर तुम्हारे श्रम को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, तुम धनी होने लग जाते हो। तुम मेहनत कर करके अब धनी हुए जा रहे हो। ये तुम्हारा श्रम है जो क्या बन जा रहा है? धन बनता जा रहा है। और सबसे ऊंचे तल का श्रम होता है जहां तुम श्रम करके अपने लिए कुछ कमाते नहीं, अपने आप को ही बिल्कुल बदल डालते हो, कुछ और हो जाते हो, घुलते जाते हो। वो सबसे ऊंचे तल का श्रम होता है, उसे साधना कहते हैं। अब सबसे नीचे तो पशु थे, उनके श्रम की तो क्या बात करें कि बंदर इधर उधर कूद रहा है, क्या चाहिए उसको? अमरूद चाहिए, वो उसका श्रम है। फिर आया मनुष्यों के तल का सबसे नीचे का श्रम, उसमें भी तुम कुछ पा नहीं रहे। ज्यादातर लोग हम में से दूसरे तल का श्रम कर रहे होते हैं, वहां हम कुछ ऐसा अर्जित कर रहे होते हैं जिसकी सामाजिक मान्यता, सामाजिक उपादेयता है कि मैंने श्रम किया और रुपया आ गया, अब इससे किसी से कुछ ले लूंगा। इस श्रम का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इस श्रम का संबंध है समाज से। तुम श्रम समाज के लिए कर रहे हो कि जो मैंने मेहनत करी है इसके बदले में समाज से कुछ ले लूंगा।
पशु जो श्रम कर रहा था उसका संबंध किससे था? प्रकृति से। प्रकृति ने उसे कहा पेट और प्रजनन, तो पशु ने श्रम किया। काहे के लिए श्रम किया? पेट के लिए, प्रजनन के लिए। मनुष्यों में सबसे निचले तल का जो श्रम चल रहा था उसका संबंध किससे था? उसका संबंध मनुष्य की भटकी हुई वृत्ति से था। मनुष्य में दूसरे तल का जो श्रम चल रहा है उसका संबंध किससे है? उसका तल मनुष्य की सामाजिक संस्कारिता, सोशल कंडीशनिंग से है कि तुम ऐसे ऐसे मेहनत करो, बदले में तुम्हें समाज से ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और जो सबसे ऊंचे तल का श्रम होता है उसे साधना बोलते हैं, उसका संबंध है आत्मा से, सच्चाई से, प्रेम से। तुम कहते हो किसी और के लिए मेहनत नहीं करनी, ऐसी मेहनत करनी है जो मुझे आजादी ही दे दे। हम में से ज्यादातर लोग दूसरे और तीसरे तल का श्रम करते रह जाते हैं। तीसरे तल का श्रम करें तो निठल्ले, निखट्टू, बेरोजगार कहलाते हैं। दूसरे तल का श्रम करें तो बड़े सम्माननीय हो जाते हैं, माना जाता है कि इन्होंने समाज में कुछ उपलब्धि हासिल की। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि जो दूसरे तल के लोग हैं ये तीसरे और चौथे वालों से भी ज्यादा दुख भोगते हैं। तीसरे वाले ने अपना समय व्यर्थ कर दिया पर कम से कम कुछ ऐसा पकड़ कर नहीं रखा जिसका उसे भय लगे। उसने कुछ कमाया ही नहीं तो कुछ खोएगा क्या? पशु ने जो कमाया उसको देह को अर्पित कर दिया, अब वो उसे खो नहीं सकता। बंदर अमरूद खा गया, अब तुम उसे अमरूद छीनोगे कैसे? बंदर ने श्रम किया, अमरूद खा गया, कैसे छीनोगे? उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते अब तुम। मटर कश्ती करने वाला मटर कश्ती कर गया, अब तुम उसे छीन नहीं सकते, उसे जो करना था वो कराया। पर जो दूसरे तल का सामाजिक सम्माननीय आदमी होता है ये बड़े डर में, बड़ी तकलीफ में जीता है, क्योंकि इसने क्या कमाई है? इसने मेहनत कर करके समाज की नजरों में इज्जत कमाई है, कभी भी छिनेगी। इसने मेहनत कर करके नोट इकट्ठा करे हैं, पता नहीं नोटबंदी किस दिन हो जाए। इसने मेहनत कर करके अपार्टमेंट में ठिकाना ढूंढा है रहने का, बिल्डर गड़बड़ कर गया। जो कुछ भी अर्जित किया है वो दूसरों के अब रहमो करम पर है, कुछ भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो जानने वालों ने समझाया कि कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होए, पहले तल का श्रम करो। ऐसी चीजें कम से कम पकड़ो जो छिन सकती हो। कुछ ऐसा अर्जित कर लेना जो दूसरों पर आश्रित हो, कुछ ना अर्जित करने से भी बदतर हो जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास खोने को भी कुछ नहीं है। जिन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है उनकी शक्लें अक्सर उनसे ज्यादा बदहाल नजर आती हैं जिन्होंने कमाया नहीं। अब क्या करोगे? वो कमाओ जो तुम्हारे साथ रहेगा। हमारा धन हमारे काम नहीं आता, हम अपने धन के नौकर हो जाते हैं। भाई एक आदमी को दिन रात अपनी संपत्ति और अपने पैसे की परवाह करनी पड़ रही है, तो पैसा उसके काम आ रहा है या वो पैसे के काम आ रहा है? हम्म,
आपका फ्लैट तो मजे में है, चिंता में नहीं है, आप फ्लैट की चिंता कर रहे हो, आपसे भला तो फ्लैट फ्लैट कह रहा है बढ़िया नौकर मिला है मुझे, मेरी खूब चिंता करता है। जितना सहज हो जाए उतना ठीक। उसके आगे का बस क्लेश है और वो क्लेश मोल लेकर के आप अपनी साधना से डिग जाएंगे, ये होगा। सहजय मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त है जिसमें खींचा तानी। ये संसार के लिए, ये व्यक्तिगत पोजीशन के लिए। तुम सही काम करो, सहजय मिले मतलब आत्मा से मिले, आत्मा का ही दूसरा नाम सहजता है। तुम आत्मा की दिशा में बढ़ते रहो, आत्मा की दिशा में बढ़ते बढ़ते कुछ फल फूल पुष्प पत्र मिलते रहते हैं। तुम सही काम करो, कुछ ना कुछ रुपया पैसा भी मिलता ही रहता है। सहजय मिले से दूध है, वो बढ़िया चीज है। मेरे वीगन बंधु परेशान ना हो, कबीर साहब के जमाने में इतना अत्याचार नहीं होता रहा होगा गायों पर, तो उन्होंने दूध की उपमा ले ली। सहज ही मिले सो दूध है, दूध कुछ भी हो सकता है यार, तुम सोया मिल्क मान लो, आगे बढ़ो। तुम वो काम करो जो काम करना सही है, उसके रास्ते में तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वो दूध है, वो बढ़िया है। मांग मांग के लेना पड़े वो पानी है, उसकी श्रेष्ठता थोड़ी कम हो गई। और दुनिया में जिस चीज के लिए खींचातानी करनी पड़े, कहें कबीर सो रक्त है जामे खींचातानी। और सहजय मिले माने ये नहीं कि बैठे बैठे आलस से जो मिल जाए वो दूध है, नहीं नहीं, सहजता के रास्ते पर चल के। सहजता का रास्ता माने आत्मा का रास्ता। तुम अपनी साधना करो, तुम्हारे निर्वाह का इंतजाम हो जाएगा। तुम ऊंचा काम करो, ये पेट पालना छोटा काम है, ऊंचा काम करोगे छोटे काम का इंतजाम अपने आप हो जाएगा। और छोटे काम में ही उलझे रह गए तो ऊंचा काम कब करोगे भाई? ये गाड़ी घोड़ा फ्लैट और एफडी और शेयर इन्हीं में पड़े रह गए तो ऊंचा काम कब करोगे? जीवन इसीलिए था क्या कि अभी एक फ्लैट खरीदना है, अभी बिटिया का ब्याह करना है, अभी लड़के का, इसलिए पैदा हुए थे? असली काम कब करोगे? सांड पीछे लगा है और तुमने पहन रखी है महंगी लाल शर्ट, नहीं सांड का लाल से कोई ताल्लुक होता नहीं है, बात अवैज्ञानिक है, ठीक है? सांड लाल रंग से, किसी रंग से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अध्यात्म में अंधविश्वास पहले ही बहुत हैं, मैं और क्या बढ़ाऊं, पर चलो कहानी के तौर पे। तो तुमने पहन रखी है नई नई लाल शर्ट और उसके नीचे लाल रंग की गंजी भी,
वो भी महंगी है, और लाल रंग के तुम कुछ ऐसे मुरीद हो कि पैंट भी डाल रखी है लाल और स्नीकर्स भी पहन के घूम रहे हो, नहीं जूते नहीं, महंगे वाले तो स्नीकर्स कहलाते हैं, जूता तो देसी बात है, क्या तो स्नीकर्स भी पहन रखे हैं लाल ही लाल, और चूंकि तुम लाल साहब हो बिल्कुल, तो कच्छा भी तुम्हारा लाल है, अब सांड लगाए पीछे, वो लाल ही देख के लगाए पीछे, तो क्या करोगे? सब उतार दो, पैसा भी छोड़ो और इज्जत भी छोड़ो, पैसा भी छोड़ो और इज्जत भी छोड़ो, कच्छा भी उतार दो। कहे कि सिर्फ पैसा छोड़ा और इज्जत बचाए रह गए, कच्छा पहने रह गए, तो जहां लाल है वहीं मारेगा सींग, अब बाकी तो सब उतार दिया है। बिल्कुल लोग पूछेंगे कि ऑर्गेनिक कद्दू की फार्मिंग हो रही है क्या है, बात समझ में आ रही है ना? ऐसा कुछ धारण क्यों करे रहना कि जिसको धारण करने के लिए सांड को झेलना पड़े? अब चाहे वो कितनी भी महंगी चीज हो, सांड को आकर्षित करती त्यागो ना। यही दोनों बोझ होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ पहनो ही मत, मैं कह रहा हूं अगर सांड पीछे लग जाए तो, इसका ये नहीं मतलब है कि बिना कुछ पहने घूम रहे हो कि हम तो। एक आदमी को एक बार एक हाईवे पर लुटेरे ने पकड़ लिया, वो आदमी अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके जा रहा था, तो लुटेरे ने बंदूक रख दी उसकी कनपटी पे, बोला या तो पैसा दे दो नहीं गोली मार दूंगा। तो उसने गोली मार दो, बोला ऐसा सूरमा तू लगता तो नहीं है, पर क्या बड़े विश्वास से रहा है गोली मार दो, इतना संकल्प तुझमें कहां से आया? तो बोला नहीं पैसा नहीं दूंगा, बात सीधी है। बोला क्यों नहीं देगा पैसा? बोला अपने भविष्य के लिए रखना है, तुम गोली मार दो। भाई भविष्य के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा तो रखूंगा गोली मार दो। वो कमाइए जिसे किसी हाईवे पर कोई लुटेरा आपसे लूट न सके, बल्कि कोई लुटेरा मिले तो उसको आप बांट और दे, ले और ले, तो लूटेगा क्या, ले, हमारे पास वो है जिसको बांटने से दोगुना होता है।